अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात चहारुम का निकष नंबर 4 मुअल्लिम के तैयार किए गए 20 किस्म के वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी टीचिंग एड्स के बारे में मालूमात हम लोग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और असातज़ा इकराम, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से टीचिंग एड्स यानी कि वसाइल तालीम हमको अलग अलग बनाना है। और बहुत सारे वसाइल जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं, वही आप लोगों को मैं नंबर बारी से एक एक जो है तो बताऊंगा कि किस तरीके से वसाइल को जो है तो हमें बनाना है। और जो हमारा 25 निकष का एक निकष है कि 20 किस्म के वसाइल जो है तो हमें तैयार करना है, तो वो हमारा निकष जो है तो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग इन वसाइल को बना भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो वसाइल तालीम है टीचिंग एड, तो इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो देख सकते हैं। हम लोग फ्रैक्शन के लिए यानी कसर के लिए जो है तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का हम लोग जो है तो एक कार्ड पेपर पर पीछे जो है तो इसके थर्माकोल है, थर्माकोल लगा सकते हैं और इसको स्पंज की मदद से जो आता है उसको गोल काट कर इस तरीके से आधा मुकम्मल पाव और कौन इनको जो है तो कसर की जो सूरत है हम लोग जो है तो इस वसाइल तालीम के जरिए जो है तो बता सकते हैं। आसानी के साथ जो है तो बच्चों को भी जो है तो समझ में आएगा, बाद में इसकी मदद से उसको हम लोगों को ऐसा करना है और लिख देना है। हिंदी के अंदर हम लोग लिंग बदलो, इसको जो है तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को लिंग बदलो, ये जो ग्रामर का हिस्सा है वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मछली जो है तो बनी हुई है, एक कार्डबोर्ड के ऊपर बनाया गया है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, तो भाई का बहन गोल काट कर उसको ऐसे करना है। पिता है तो इसका बना माता, मामा बना मामी, नाना बना नानी, दादा का बन जाता है लिंग बदलों में दादी, चाचा का चाची। यहाँ पर हम लोग जो है तो मुजक्कर और मुअन्नस जिसे उर्दू में कहते हैं वो जो है तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तमाम के अंदर आप लोग अलग अलग नाम ले सकते हैं, अलग अलग रिश्ते जो है तो दादा दादी, पोता पोती, दादा दादी मुँह और बेटा, सखा, बूढ़ा बुढ़िया, इस तरीके से इस वसीले की मदद से, इस टीचिंग एड की मदद से हम लोग जो है तो ये एक टीचिंग एड हमारा ये तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये जो बना हुआ है हमारे सामने मेकिंग सेंटेंसेस, किस तरीके से हम मेकिंग सेंटेंस का जो है तो मॉडल या चार्ट जो है तो बना सकते हैं, तो देखिए इस तरीके से गोल जो है तो काट कर एक कार्डबोर्ड के ऊपर जो है तो चिपकाया जा सकता है और सेंटेंस उसके ऊपर लिखे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है धीस इज माई बुक, तो ये बच्चों के लिए भी जो है तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मॉडल जो है तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। देखिए यहाँ पर ये जो मॉडल बना हुआ है तो इसके अंदर हम लोग जर्ब के लिए यानी मल्टीप्लेक्शन के लिए जो है तो हम लोग बता सकते हैं इसको, इस तरीके से जो है तो पट्टियां इसके अंदर जो है तो डालना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पट्टियों के लिए जो है तो जगह है, पट्टियां डालना है और उसके बाद बच्चों को बताने के लिए जो है तो हम लोग ये पट्टियों को इस तरीके से खींच सकते हैं। जो भी आदाद को बताना है हमको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आठ से ज़र्ब दिया गया है तो कोई भी अदद यहाँ पर ले सकते हैं, हम लोग चार ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, इधर 10 दिया है, 12 दिया है, ये प्लास्टिक में भी पैक है, तो इसको हम लोग जो है तो आराम से पट्टियों की मदद से बता सकते हैं कि किस तरीके से ज़र्ब करना है। देखिए ये एक मॉडल है, हम लोग जो है तो प्लेट्स की मदद से जो थर्माकोल की आती है उनकी मदद से बच्चों को जो है तो अल्फाज बनाकर सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ई से
ई से बनते हैं तीन अल्फाज, तो हम लोग वहां लिख देते हैं इजार, इडली और इमारत। तो ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हैं हम लोग जो है तो तैयार कर सकते हैं अलग अलग अल्फाज की, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, इंग्लिश में, बहुत सारे हम लोग जो है तो अल्फाज को बच्चों को इसके जरिए भी जो है तो समझा सकते हैं। यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स जो है तो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए जो है तो हमने एक पूरी बुकलेट टाइप का जो है तो बना लिया है, उसके अंदर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको जैसे ओपन करेंगे हम लोग, यहाँ पर अप और डाउन, अप डाउन जो है तो किस तरीके से बताना है वो जो है तो हम यहाँ पर एक रस्सी को देखिए, अप हो गया ये बच्चों को बता सकते हैं और डाउन के लिए जो है तो नीचे, इस तरीके से हम अप और डाउन जो है तो बता सकते हैं बच्चों को। दूसरा यहाँ पर ये देखिए, हैप्पी फेस, हैप्पी और यहाँ पर सैड, अपोजिट वर्ड हो गया यहाँ पर सैड और हैप्पी का। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा है स्मॉल, स्मॉल और बिग, बिग ये देखिए बिग हो गया ये और ये स्मॉल। तो इस तरीके के हम लोग, ये देखिए फुल है ये और एम्प्टी के लिए जाए तो यहाँ पर इसको ऊपर ले लेंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो फुल और एम्प्टी जो अपोजिट वर्ड्स है वो भी बता सकते हैं हम लोग। लो है और ये हाई, ये लो ये हाई, और ये रीडर बुक है हमारी पढ़ने वाली, ये क्लोज है, इसको कर दिया तो ये ओपन हो गई। तो ओपन और क्लोज का बता सकते हैं मीनिंग का मतलब। इसके बाद इन और आउट, ये इन चला गया अंदर, ये आउट हो गया, देखिए ये आउट है और ये ऊपर इन है। तो इन और आउट को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मॉल हो गया ये स्मॉल और ये हो गया हमारा ओपन, नहीं हो रहा है, हाँ ये हो गया बिग। तो ये स्मॉल और बिग के लिए बता सकते हैं इसको हम लोग। हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड के लिए बता सकते हैं ये हॉट है ये कोल्ड है। तो ऐसे बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स जो है तो हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके भी जो है तो बच्चों को बता सकते हैं। देखिए यहां पर ये एक मॉडल है, इसकी मदद से हम बच्चों को आदाद का पढ़ना ये भी बता सकते हैं, 25 निकष में वो भी है। तो बच्चों को इस तरीके से हम लोग मॉडल जो है तो तैयार कर सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, एक पट्टी, पट्टियों की मदद से उनके ऊपर छोटा छोटा चस्पा कर सकते हैं। और आदाद को पढ़ने के लिए जो है तो हम लोग उनको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 70,157, तो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। हम इनको जो है तो बदल भी सकते हैं यहाँ से पट्टियाँ, ये देखिए, और अलग अलग आदाद जो है तो बच्चे लोग सीख सकते हैं, है ना। यहाँ से हम पट्टियों को घुमाकर जो है तो बदल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आदाद की पहचान और आदाद को पढ़ना जो है तो समझ में आएगा। अल्फाज की मदद से जो है तो हम लोग एक मॉडल जो है तो बना सकते हैं और उनको अल्फाज भी जो है तो बीच में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थिंक है तो थिंक का फेस है और लफ्ज लिखा हुआ है थिंक। इसके बाद हम इसको घुमा देंगे तो ये देखिए ये आ गया फियर, फियर लफ्ज है और फियर का जो है तो फेस भी आ रहा है। इसके बाद क्राई यानी रोना, तो यहाँ रोने का फेस आ रहा है और क्राई लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके का हम लोग घुमा कर, देखो साइड, साइड के लिए जो है तो सैड का फेज भी आ गया और सैड लिखा भी है। तो ऐसे हम बहुत सारे चीज़ों को जो है तो लेकर दो ग्लास की मदद से उनकी कटिंग करके बीच में वर्ड्स के लिए और फेज के लिए कर सकते हैं। तो ये भी एक मॉडल अच्छा है बच्चों के लिए। यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स के लिए इंग्लिश में हम लोगों के पास एक और मॉडल है जो आसानी से तैयार किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स के अंदर इसको पकड़कर हम लोग जो है तो देखो एग्जिट और एंट्रेंस ये अपोजिट वर्ड हो गए, डिपार्चर अराइवल अपोजिट वर्ड हो गए, इसी तरीके से स्पेंड और सेव। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जो है तो मिनिमम मैक्सिमम अलग अलग जो है तो वर्ड्स की मदद से, मॉडल्स की मदद से अलग अलग अपोजिट वर्ड्स से लिखकर बच्चों को आसानी के साथ बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर गोटियों की मदद से जो है तो हमें जमा का अमल देखना है और इस मॉडल की मदद से हम लोग किस तरीके से जमा का अमल कर सकते हैं ये बता सकते हैं। हमको जो है तो गोटियाँ हैं मार्बल्स, उन मार्बल्स को जो है तो
बच्चों को जो है तो काउंटिंग सिखा सकते हैं, एक दो इस तरीके से, दो और तीन इस तरीके से, दो और तीन मिलकर यहां पर पांच हो जाएगा। बच्चा निकाल कर जो है तो काउंट करेगा कि किस तरीके से टोटल जो है तो मार्बल्स पांच हुए हैं। तो ये देखिए टोटल मार्बल्स जो है तो ये पांच हो गए, फाइव। तो इस तरीके से हम लोग जो है तो बच्चों को एडिशन जो है तो इस मॉडल की मदद से भी जो है तो सिखा सकते। यहाँ पर हम लोग जो है तो ये मॉडल की मदद से छोटा सा है बॉटल को कट करके जो है तो दो गुब्बारों की मदद से मॉडल बनाया गया है। सांस लेने का अमल फेफड़ों का जो है तो हम लोग इससे बता सकते हैं। और इसको फुलाकर ये देखिए इस तरह से फुलाकर, अभी ये फूल रहा है, इसमें इस तरीके से फुलाकर जो है तो हम लोग बता सकते हैं कि फेफड़े किस तरीके से फूलते हैं, सुखड़ते हैं। तो ये भी एक छोटा सा मॉडल है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग इसको थर्माकोल में पुराने सिक्के, कदीम जमाने के सिक्के जो है तो बता सकते हैं। कदीम जमाने के जितने भी सिक्के हैं उन्हें जो है तो यहाँ पर हम लोग फेविकॉल से चिपका सकते हैं। और अभी जो जदीद दौर की जो नोट्स है या सिक्के हैं उनको भी जो है तो हम लोग बता सकते हैं बच्चों को। तारीख के लिए इस किस्म का मॉडल जो है तो आसानी के साथ हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो है तो हम लोग इस किस्म की पट्टियां भी जो है तो तैयार कर सकते हैं और अलग अलग अल्फाज उनके अंदर उनके ऊपर लिख सकते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट में भी जो है तो हम लोग हिंदी मराठी इंग्लिश में बच्चों को जो है तो अलग अलग चीजें लिख कर जो है तो बता सकते हैं आसानी के साथ इस किस्म की जो है तो पट्टियां बनाकर। तो ये भी एक अच्छा वसीला है जिनसे बच्चे सीख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये मॉडल भी है जिनके अंदर हम लोग जो है तो टू नए वर्ड्स बना सकते हैं। इनकी मदद से जो है तो जोड़कर बच्चों को बोलना है कि आराम से तो जैसे पी ए टी बैट बैट हो जाता है, एफ ए टी फैट। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो है तो हम लोग बना सकते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर उर्दू में भी जो है तो हर्फ जोड़कर अल्फाज बनाइए, आराम से बन जाएगा। सीन अलीफ ते सात है ना, रे अलीफ मीम राम, ऐसे जो है तो बनाने के लिए बच्चों को बता सकते हैं। तो इस किस्म का मॉडल भी जो है तो हमें काम आ सकता है बच्चों को बताने के लिए। देखिए इस किस्म का जो है तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में है तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग इस तरीके का अलग अलग डिटेल्स उनके बचपन के बारे में है ना। ये देखिए शिवाजी का जन्म और शिवाजी मौलों के साथ, तो ऐसे किसी भी शख्सियत के बारे में हम लोग डिटेल से भी जो है तो बता सकते हैं। और हमारा जो चौथी में और सातवीं में जो है तो जो तारीख मजमून है उसके अंदर ये काफ़ी मददगार साबित होगा। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हम लोग जो है तो इस तरीके से कार्ड शीट को कट करके देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर बना सकते हैं। अज्जाए कलाम जिसे उर्दू में कहते हैं, नाउन है और प्रोनाउन है ना, इस तरीके से एडजेक्टिव है। तो अलग अलग वर्ब एडवर्ब ये तमाम चीज़ें जो है तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं आसानी के साथ बनाकर। इस तरीके का जो है तो बना सकते हैं हम लोग बच्चों के लिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कार्ड को फोल्ड करके एक सदियाँ जो सेंचुरीज होती है हमारी ये तारीख में उसको आसानी के साथ बता सकते हैं। जितनी भी पहली सदी से लेकर तो अभी तक जितना हुआ है हमारा 21वीं सदी जो चल रही है वहाँ तक हम आसानी के साथ बता सकते हैं। देखिए 21वीं सदी तक जो है तो पूरा बता दिया गया है, यहाँ से लेकर जो है तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग सदियाँ जो है तो देखिए पहली सदी से, पहली सदी का टाइमिंग क्या है, पहले साल से लेकर 100 साल तक, फिर 101 से 200 साल तक दूसरी सदी। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक कार्ड पेपर को जो है तो मोड़ कर फोल्ड करके जो है तो सदियों के बारे में भी जो है तो बच्चों को बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लैश कार्ड या पट्टियों की मदद से जो है तो इस तरीके के जुमले लिखकर टुडे इज अ संडे, आसान आसान छोटे छोटे जो जुमले हैं आई लाइक मैंगो, ऐसे बहुत सारी पट्टियां जो है तो कैन आई ड्रिंक वाटर,
जो इंग्लिश के छोटे सेंटेंस है, उर्दू के, हिंदी के, मराठी के, इस तरीके के जो है तो हम लोग पट्टियां तैयार करके जो है तो बच्चों को बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके का प्रोजेक्ट टाइप भी जो है तो हम लोग सूरज के बारे में या किसी भी एक चीज के बारे में जो है तो मालूमात दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे बिजली है, शमसी तवानाई है, सूरज है, तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट भी जो है तो बच्चों को बनाने के लिए कह सकते हैं। ये भी जो है तो एक किस्म का वसाइल के तौर पर जो है तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किलो की मालूमात के लिए इस तरीके का जो है तो हम लोग एक कार्डबोर्ड पर या कार्ड पेपर पर तस्वीर लगाकर किलों के बारे में जो है तो मालूमात लिख सकते हैं। जैसे शिवनेरी का किला, तोरना का किला, प्रतापगढ़, कोरीगढ़ का किला, सिंधु दुर्ग का किला, और उनके मुतालिक जो है तो हर एक के मुतालिक मालूमात हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके का भी जो है तो वसायल तालीम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस किस्म की छोटी पट्टियां जो है तो बनाकर उनके ऊपर तस्वीर जो है तो हम लोग चस्पा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और एक किस्म का जो है तो छोटा मॉडल बन जाएगा, पट्टियां बन जाएगी। अनानास है, ऐसे फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में और फलों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है तो हम लोग तस्वीर के जरिए बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, इसे क्या कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा वसीला है, वसीला तालीम है, इसे भी हम लोग